वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। और आज मैंने क्रिएट किया है ये ब्राउन लुक, वो है सिर्फ न्यू ईयर ईव के लिए। और कैसे किया है मैंने ये पूरा ब्राउन लुक क्रिएट, देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को गार्नियर माइसेल वाटर से क्लीन किया था, क्योंकि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर अप्लाई किया है, और सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम मैं स्किन को थोड़ा हाइड्रेट और प्रेप करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने अपना DIY यूज़ किया है। इस DIY का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप यूज़ करके देखो, बहुत ऑसम चीज़ है ये भाई। इसके बाद मैंने यहाँ पे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र है ये। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मैं इसको यूज़ करती हूँ, और मेकअप लगाने से पहले भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। काफ़ी नरिश करके रखता है तुम्हारी स्किन को भाई, और इतना हाइड्रेट रखता है, मतलब आपको फील ही नहीं होगा, पैचीनेस भी हटा देता है सारा, और काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा मैं एक और मॉइस्चराइज़र बोल सकते क्रीम है, निविया की ब्लू टेन जो आती है वो भी ऑसम है, वो उसको भी मैं विंटर में यूज़ करती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपना आई मेकअप, और यहाँ मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट फ्रेंडली है। दूसरा, ये बाकी जो कंसीलर आते हैं, जितने भी मतलब अच्छी खासी रेंज में जो कंसीलर आते हैं, उनको टक्कर देता है ये, अच्छा खासा उनको टक्कर दे देता है ये, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंसीलर है। इसके बाद मैं यहाँ ये न्यूट्रल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैं लाइट ब्राउन कलर लूँगी, और ये लाइट ब्राउन कलर इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर क्रीज पर। इसको पूरे अच्छे से मैं बिल्कुल लाइट ब्रश करूँगी, अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, कि ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आई मेकअप करें, फोकस करें ब्लेंडिंग पर, जितना अच्छे से आप ब्लेंड कर पाओगे कलर को, उतना ही कलर अच्छे से निकल के आता है, और आई लुक इतना अमेजिंग लगता है जब आप अच्छे से ब्लेंड करते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ब्राउन कलर पिक किया है। ये सारे के सारे कलर इतने पिगमेंटेड है ना, मतलब एक टच ही इनका काफ़ी रहता है आपके लिए। ये जो ब्राउन कलर मैंने अभी पिक किया है, मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया है, इतना ऑसम कलर लगा मुझे इस, मतलब इस पैलेट में ऑसम, मतलब मैट शेड में ये सबसे ऑसम कलर है मेरा। तो इससे मैं एक स्मोकी आई लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर क्रीज पर। यहाँ से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी, फिर इनर लिड की तरफ इसको लेके जाऊँगी। तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, और ब्लेंड करते रहो, और काफ़ी अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और अंदर की तरफ इसे को लेके जाऊँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन कलर है एक्चुअली, इस में मतलब शायद अच्छे से दिख नहीं रहे हैं कलर कुछ और ही निकल के आ रहे हैं यहाँ पर ये ब्राउन कलर है, और शिमर है, चंकी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा ब्राउन कलर है, और बहुत प्यारा है, मतलब लगाने के बाद ये बहुत प्यारा लग रहा है, और ये कलर थोड़े अच्छे से मतलब निकल के नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना, इस वीडियो में अच्छे से निकल नहीं पा रहे हैं, पर कलर बहुत ऑसम है सारे के सारे। इसके बाद इसी पैलेट का ये गोल्डन कलर है, और इस पैलेट में जो ये जो कलर है ये ही सिर्फ चंकी है, इसमें पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं तो उनको समेटना पड़ता है, और ये ही हाँ, इसमें दो गोल्डन कलर हैं, एक तो बिल्कुल काम नहीं करता, बेकार है ना, वो ब्रश में आता है ना आपकी उंगली में आएगा, वो आता ही नहीं है, वो बेकार कलर है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर सेम कलर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे थोड़ा और स्मोकी इफेक्ट पड़ता है, अच्छी लगती है आई हमारी। यहाँ पे मैं एडीएस का आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ, एडीएस
बहुत इजीली मिल जाता है लोकल मार्केट में और काफ़ी अच्छा है, आईब्रो को बहुत अच्छे से फिल कर देता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और ब्रश भी इसके साथ आती है, दो कलर भी आते हैं ये, एक ब्राउन शेड आता है एक ब्लैक शेड आता है, किसी किसी में मैंने ब्लू शेड भी देखा था, तो ये दोनों शेड उसमें मिल जाते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो इसी पैलेट का मैं आप ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, जो भी आपको सूट करे उसको अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिया है ये NYWay की CC क्रीम, बहुत हैवी मेकअप नहीं करना, लाइट मेकअप करना है तो आप CC क्रीम पे यूज़ कर सकते हो, लैक्मे की CC क्रीम, पॉन्ड्स की CC क्रीम, NYWay की ये CC क्रीम, मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मेरे पास लैक्मे की नहीं है, NYWay की बची हुई है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, वरना लैक्मे की जो फाउंडेशन बेस जो CC क्रीम आती है वो इससे भी अच्छी है, सबसे बेस्ट क्रीम है। ठीक है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको बहुत लाइट मेकअप करना हो तो, वो भी बेस्ट रहेगी आपके लिए। और यहाँ पे मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और जो डार्क एरिया हैं उनको छुपाने के लिए थोड़ा सा इसका यूज़ कर रही हूँ, अपने लिप के दोनों साइड में, ये दोनों साइड बहुत डार्क हो जाती हैं तो इसको फिर मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इससे ये अच्छे से कवर हो जाता है। और मैंने इस कंसीलर के बारे में बताया, काफ़ी अच्छा कंसीलर है और कुछ फेस पे ना भी लगाओ, सिर्फ कंसीलर को, इस कंसीलर का भी यूज़ करो तो भी बहुत अच्छा रहता है। आई मेकअप करो उससे पहले कंसीलर लगाओ तो आई मेकअप में जो आप कलर यूज़ करने वाले होते हैं तो वो कलर बहुत अच्छे से निकल के आते हैं, तो इसलिए कंसीलर का यूज़ थोड़ा अच्छा रहता है आईज़ के लिए पर्सनली। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने यहाँ ब्लश के लिए ना ये R36, ये थोड़ा सा रेडिश और ब्राउन कलर है तो मेरे पास कोई ब्राउन कलर में कोई ब्लश नहीं है, मतलब ऐसा कोई कलर नहीं है जिससे मैं इसको ब्लश कर सकूं, तो इसलिए मैंने इस लिपस्टिक का यूज़ किया ब्लश के लिए। यहाँ मैंने हाइलाइटर के लिए सेम पैलेट का ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड कलर है इसका यूज़ किया है और काफ़ी सही लगा, मतलब बिल्कुल हाइलाइटर जैसा लुक दे रहा है, बिल्कुल कोई कमी नहीं लगी मुझे इसमें, काफ़ी अच्छा है, शिमर है, आपको बिल्कुल हाइलाइटर जैसा लुक देता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आईलैशेस लगा लिए हैं और मैं ये आपका मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है और इसको मैं आईलैशेस पर लगा रही हूँ, काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है ये भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे मिलाप ब्रांड की, हाँ इसके बारे में बात करना चाह रही थी, ये जो मिलाप ब्रांड है ये लोकल ब्रांड है, मतलब इसका नाम शायद ही आपने सुना होगा पर बहुत पुराना ब्रांड है ये, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लिपस्टिक इसकी शायद अभी अभी लॉन्च हुई हैं या पता नहीं या एक दो साल हो गए हों, आई डोंट नो, पर हाँ लिपस्टिक इसकी बहुत औसम है, बहुत ज़्यादा औसम है, पर हाँ ये है कि एक बार लगा लो तो निकलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं ये, पर अच्छी हैं और बजट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये शेड मुझे थोड़ा सा लाइट लगा अपने आई लुक के अकॉर्डिंग, ये जा नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल अलग पड़ गया, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ ये एलेटिन की ब्राउन शेड लिपस्टिक लगाई है, मे बी ये शेड है B52, हाँ तो ये शेड मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, अब बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ना आई लुक के साथ। तो ये है मेरा फाइनल लुक और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है।